हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी वोर्ड। बी वोर्ड की इस ऐप में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डेली करंट अफेयर्स 14th ऑफ नवंबर के। फ्रेंड्स, आप सब व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और शहर का नाम हमारे इस मोबाइल नंबर पे, ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स मिल सकें। बी वोर्ड ऐप के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, जिसमें कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इसे बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो इंडिया और मोरक्को ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, जो कि है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किस चीज़ पे है? क्रिमिनल मैटर्स पे। और ये एग्रीमेंट जो है, ये स्ट्रेंथन करेगा किस चीज़ को? बाइलेटरल कोऑपरेशन, ताकि इफेक्टिवनेस बने और प्रोवाइड करे ये एक ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। क्योंकि क्राइम्स जैसे कि ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे जितने भी क्राइम्स हैं, इन पे रोक लग सके। तो इसलिए ये एक एग्रीमेंट किया जा रहा है इंडिया और मोरक्को के बीच में। और ये साइन किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर होम किरेन रिजिजू और मोरक्को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मोहम्मद ऑजर। कहाँ पे ये साइन किया गया? न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं, पावर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इंस्पायर 2018। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो मिस्टर आर के सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल सिंपोसियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी इंस्पायर 2018। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ये इसका सेकेंड एडिशन है। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड बैंक ने। 3 दिन का सिंपोजियम होगा, जो कि फोकस करेगा इन्हेंसिंग ग्रिड मैनेजमेंट, ई मोबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज पे फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। अब बात करते हैं सत्य रूप सिद्धांत, जो बने हैं पहले इंडियन टू क्लाइम माउंट गिलुवे। इंडियन माउंटेनियर सत्य रूप सिद्धांत बने हैं फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट गिलुवे। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इन पपुआ न्यू गुआना में। सत्य रूप इस माउंटेन की समिट में पहुंचे हैं 4,367 मीटर्स इन्होंने एलिवेशन क्लाइम किया है। इन्होंने स्केल किया है 5 out of 7 वॉल्केनिक समिट्स। अब बात करते हैं एग्रीमेंट्स की। तो मोरक्को और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, ये दोनों एग्री हुए हैं एक दूसरे के साथ टू असिस्ट इन लीगल एंड कॉमर्शियल मैटर्स। तो मोरक्को और इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर फर्दर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन सिविल एंड कॉमर्शियल कोर्ट। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री रविशंकर प्रसाद, इन्होंने और मोरक्को से जो मिनिस्टर थे वो थे मोहम्मद ऑजर, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस व प्रेजेंट इन द ओकेजन। अब बात करते हैं जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इन्हेंस करेगा कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द सर्विस ऑफ समन्स, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, डिक्रीज एंड आर्बिट्रल अवार्ड। तो इन चीज़ों पे काम किया जाएगा थ्रू दिस एग्रीमेंट। अब बात करते हैं डिफेंस के सेक्शन की। तो इंडियन इंडोनेशियन नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिगिंस। तो इंडिया और इंडोनेशिया की जो बायलेटरल एक्सरसाइज है नेवी की, उसका नाम है समुद्र शक्ति। कई बार एग्ज़ाम्स में डिफेंस की जो भी एक्सरसाइज हैं उनको लेके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो एक क्वेश्चन शायद यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है इंडियन नेवी इंडोनेशियन नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिगिंस एट सुरबाया इंडोनेशिया में। और इसमें इंडियन नेवल शिप INS राणा ऑफ ईस्टर्न फ्लीट बेस्ड एट विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ सुरबाया टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। इंडिया की तरफ से INS राणा पार्टिसिपेट कर रही है।
अब बात करते हैं सेवेंथ RCEP इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। RCEP क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। RCEP है रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु हैं, वो लीड कर रहे हैं इंडिया को ऑन द सेवेंथ RCEP इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन सिंगापुर। और जो मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ सिंगापुर मिस्टर चैन चुन सिंह, वो चेयर करेंगे इस मीटिंग को, एज सिंगापुर करेंटली चेयर कर रहा है एशियन को इस साल के। और जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो होगी सेकेंड RCEP लीडर्स समिट में। अब बात करते हैं बिनी बंसल की, जिन्होंने रिज़ाइन किया है CEO ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप। तो जो को फाउंडर थे बिनी बंसल, उन्होंने रिज़ाइन किया है CEO ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप। और ये अनाउंसमेंट किसने की है, ये अनाउंसमेंट की है वॉलमार्ट ने, जो कि न्यू ओनर है इस ई कॉमर्स कंपनी का। कल्याण कृष्णमूर्ति कंटिन्यू रहेंगे एज CEO ऑफ फ्लिपकार्ट, जो कि अब इंक्लूड करेगा मंत्रा और जेबोंग को भी, जो कि कंटिन्यू रहेंगे एज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म विद इन फ्लिपकार्ट बिजनेस। अब बात करते हैं डॉक्टर देवभूषण बोरा की, जिन्हें मिला है मुनीन बरकोटो की लिटरेसी अवार्ड। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये कहाँ पे दिया जाता है, असम में दिया जाता है। इस बार ये एक यंग राइटर को दिया गया है। इनकी जो किताब लिखी गई थी रिगार्डिंग लिटरेसी क्रिटिसिज्म टाइटल पे, निर्बोकोन, उस पे इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। मुनीन बरकोटो की मेमोरियल है, उसके ट्रस्ट ने अनाउंस किया है ये एनुअल अवार्ड, ताकि और भी लोग इनकरेज हो सकें जो यंग एंड प्रॉमिसिंग राइटर्स हैं आसाम के, वो और प्रमोट हो सकें इन चीज़ों से। और ये अवार्ड जो है, ये कैश प्राइस भी मिलता है इस अवार्ड में, नियर अबाउट 50,000 रुपीज़ अलॉन्ग विथ अ सिटेशन एंड अ प्लेग। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और शहर का नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, बी बोर्ड के नाम से हमारा ऐप भी है, जिसे कि आप बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बी बोर्ड ऐप के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें हम बैंक, SSC, व्यापम, CTET, संविदा और रेलवे के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशंस मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।